केवरी सुपर किंग्स अपने 12वें खिलाड़ी को भेजे, शायद आज भूल गए। और इसी बीच तोस जीता लिया फैसला गेंदबाजी करने का। विपुल पहली गेंद लेकर विशाल दादा के लिए, पहली गेंद फुल टॉस बनाकर खेला हल्के हाथों से और इस आज के दिन का पहला रन। आज मकर संक्रांति का पर्व, दर्शनम द्वारा आयोजित कामली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन और दर्शक जिस तरह से इंतजार कर रहे थे, बाउंड्री लाइन के बाहर से दर्शक अगर कैच दबकेंगे तो उनको 1000 रुपए। दर्शकों के लिए आई खुशखबर मकर संक्रांति के पर्व पर। और इसी बीच हवा में गेंद और ये गेंद गई सीमा रेखा के, आज के दिन का पहला छक्का नीलेश हवा। और इसी बीच यहां 6 के बाद 1 आया। और इसी बीच जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो है वो है 8। और यहां थोड़ी सी हड़बड़ाहट मौका मिल सकता था मेहुल, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की। और यहाँ अच्छी गेंद थी जड़ में डालने का प्रयास विपुल, जिन्होंने रुचित वॉरियर्स के लिए हर वक्त रन बचाए हैं। आज दूसरी गेंद पर जरूर छक्का खाया। यहाँ टॉस हारकर केवरी सुपर किंग्स फिलहाल अच्छी स्थिति में है, जिन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर 6 प्राप्त किए थे, बाकी की गेंदों पर सिंगल प्राप्त किया। आखिरी गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर फिलहाल 2 अंकों में 10। और इसी बीच 1 के साथ खेल समाप्त हुआ इस पहली ओवर का। और तोस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए केवरी सुपर किंग्स 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। यह प्रतियोगिता दर्शनम द्वारा आयोजित कामली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन। आज दर्शक अगर बाउंड्री लाइन के बाहर से कैच लपकेंगे तो उनके लिए दर्शनम की ओर से 1000 रुपये का नगद पुरस्कार। और आज के पहले मुकाबले में अगर दर्शक कैच लपकेंगे तो सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से 500 रुपये, छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों के लिए 201 और बाउंड्री के लिए 101 इस मुकाबले के लिए। सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से दर्शकों के लिए 500 रुपये, छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 201 और बाउंड्री वाले को 101 सिर्फ इस मुकाबले के लिए है। जिस तरह से क्वालिफायर राउंड 1, यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में अपना स्थान निश्चित करेगी। टॉप 4 इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 7 टीमों ने हिस्सा लिया था। टॉप 4 बन के आई है केवरी सुपर किंग्स, रुचित वॉरियर्स, संयुग और चैंपियंस 11। बाहर दर्शक बन के बैठी है ड्रीट कैपिटल्स, डायमंड टाइगर और उनके साथ डीएफ लायंस, पहले और दूसरे साल की रनर्स अप टीम। तो एक टीम यहां नई जरूर आएगी, देखना होगा। और अच्छी फील्डिंग इस बार विपुल पॉइंट के क्षेत्र पर। प्रफुल्ल को यहां जल्दी शामिल किया गया है पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। जिस तरह से 11 रन थे इस 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। प्रफुल्ल जिन्होंने ज्यादातर गेंदबाजी की नहीं है इस प्रतियोगिता में, बेहतरीन गेंदबाज है। यहां अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है प्रफुल्ल वर्सेस नीलेश
क्योंकि नीलेश जिस तरह से पारी खेल रहे हैं, 3 गेंदों में 8 बनाकर एक महत्वपूर्ण और यहां शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र पर गई जहां से चुराया 1 रन 1 के साथ 13 रन। इस प्रतियोगिता में बाउंड्री के बाहर जिस तरह से आज के दिन 1000 रुपए दर्शनम द्वारा रखे गए हैं दर्शकों के लिए, तो इस पहले मुकाबले में सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से 500 रुपए, तो 1500 रुपए दर्शकों के लिए इस मुकाबले में। और यहां हल्के हाथों से जमीन के सहारे पॉइंट के क्षेत्र पर खेल लिया, 1 रन के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जरूर जीता था रुचित वॉरियर्स ने, पर जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है केवड़ी सुपर किंग्स, जिन्होंने अपने 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को शामिल किया, कल भी इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी संयुक्त के खिलाफ जो आखिरी मुकाबला था लीग स्टेज का। फुल टॉस बनाकर खेला, मिड विकेट के क्षेत्र पर फील्डर वहां पर राहुल मौजूद, जब तक फील्डिंग करके विकेट कीपर को गेंद एक टप्पा खाने के बाद सौंपते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने समय का फायदा उठाकर चुराया 1 रन 1 के साथ 15 रन। 2 गेंदे इस पावर प्ले की आने वाली शेष, अगली गेंद लेकर प्रफुल और इस बार गेंद गई है काफी ऊपर, हवा लग गई और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये महत्वपूर्ण छक्का, इसी छक्के के साथ छलांग लगाता वास्कुर, क्योंकि दर्शकों के पास मौका जरूर था। इसी बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी 2 रन के साथ ये ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 23 बिना विकेट के नुकसान पर, 23 रनों की गति जिस औसत से बढ़ रही है करीबन 11.5 की औसत से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 हो चुका है। टॉस जरूर गिरा था रुचित वॉरियर्स के पक्ष में, पर जिस तरह से केवड़ी सुपर किंग्स जिन्होंने पॉइंट टेबल पर कब्जा किया था पहले नंबर की और दूसरे नंबर की टीमों के बीच, इस तरह से यह और इसी बीच पारी का महत्वपूर्ण 3रा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी विपुल, जिस तरह से विपुल अपने कोठे का 2रा महत्वपूर्ण ओवर लेकर आया, टीम का 3रा ओवर फिलहाल प्रगति पर जिस तरह से स्कोर चल रहा है 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और ये कैच ड्रॉप, देखिए ऐसे कैच आप नहीं छोड़ सकते, जिस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैच था।
कप की अगर बात करें तो वहां पर भी मैक्सवेल जैसे बल्लेबाजों को मौका मिला, उन्होंने 200 के ऊपर बनाए। तो ये कैच लपकने पड़ेंगे यहाँ, ये कैच था नहीं पर बनाया, ये क्या कमाल का कैच, कैच ऑफ द मैच। ये देखिए ऐसे फील्डर, ये काबिल तारीफ कैच हो प्रिंस। और क्या कमाल का कैच प्रिंस, बिल्कुल राजकुमार की तरह आए और ड्राइव लगाकर अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लाके रख दिया। क्योंकि जिस तरह से नीलेश बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार दो छक्के के बाद आउट हुए हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं धनेश कामली। और इसी बीच एक विकेट के नुकसान पर जिस तरह से नीलेश बल्लेबाजी कर रहे थे, काबिल तारीफ बल्लेबाजी, 35 रन फिलहाल रुका हुआ स्कोर, विकेट एक के नुकसान पर फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लपका गया फील्डर प्रिंस, जिनके द्वारा टीम को अच्छी स्थिति में लाने का मौका। यहां धने से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी आते संगी बल्ले के बीचों बीच लगाया, थोड़ी सी मिसफील्डिंग गलतफहमी हुई और इसी का पूरा फायदा उठाने बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 37। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा, 2 गेंदे अभी भी आने वाली शेष है। इस ओवर की पहली गेंद जहां कोई रन नहीं, फिर 6 फिर 2 विकेट के बाद आखिरी गेंद। और इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई और इसी बीच खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद जो रन है वो है 38 विकेट एक के नुकसान पर, 3 ओवर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 38, 2 सारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। तीन ओवर 38 रन, अब गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रीत, एक महत्वपूर्ण युवा गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, तीखे तेवर दिखा सकते हैं, जोशीले है और इनको आज जोश में होश को संभाल कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से रुचित वॉरियर्स की अगर शुरुआत देखी जाए तो उन्होंने कम से कम रन दिए हैं, पर यह बहुत ही बड़ा मुकाबला, यहां से जो जीतेगा उनको सीधा फाइनल का टिकट प्राप्त होगा। बाउंड्री के बाहर दर्शक इंतजार कर रहे कैच का, हालांकि इस मुकाबले में देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 छक्के अब तक जड़ चुके हैं केवड़ी सुपर किंग्स के बल्लेबाज। ये तेज गति की गेंद को दिशा देने का प्रयास, रन आउट का मौका बन सकता है। और यहां शर्मन जब तक विकेट कीपर को गेंद सौंपते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने
समय का फायदा उठाकर चुराया। एक रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 39। करीबन 13 के करीब की औसत के साथ ठोसार कर पहले बल्लेबाजी करते केवरी सुपर किंग्स फिलहाल अच्छी स्थिति में। उनकी डगआउट की ओर भी अगर देखा जाए तो खींचोखींच भरा हुआ उनका डगआउट, खिलाड़ियों के साथ भारी मात्रा में दर्शक। आज के दिन वैसे भी अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का पर्व है, लगातार तीसरे साल दर्शनम द्वारा आयोजित इस मकर संक्रांति के पर्व पर फाइनल मुकाबले की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। और ये पल्ले के बीचों बीच आवाज अच्छी आई थी, पर जिस तरह से बल्ले का स्विंग जो था वो थोड़ा सा धीमा था, नियंत्रण में शॉट सिलेक्शन किया गया, जानबूझकर यहां प्राप्त किया गया। एक रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अगली गेंद लेकर प्रीत और ये बल्ले का बाहरी किनारा भाग्य का सहारा, ए यार डायरेक्ट हिट। देखिए यहां अंपायर ने नकारा है और देखिए फील्डिंग कर रही टीम जिनके पास मौका है कि रिव्यू लिया जाए। एक मुकाबले में आपको 2 रिव्यू उपलब्ध है और यहां इस रिव्यू का फायदा उठाना चाहेगी। थर्ड अंपायर की मदद की मांग की जा रही है, देखना होगा किस प्रकार रहता है। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,51,000 रुपए, रनर सब टीम के लिए 75,000 रुपए, मैन ऑफ द सीरीज जिनके लिए सैमसंग रेफ्रिजरेटर डबल डेकर, बेस्ट बॉलर जिनके लिए एलईडी टीवी, बेस्ट बैट्समैन जिनके लिए भी टीवी और बेस्ट फील्डर इनके लिए भी टीवी रखी गई है। हैट्रिक लगाने वाले बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में 3 है जिनके लिए 1,500 रुपए का नगद पुरस्कार। देखना होगा आज का दिन किस तरह से रहता। हैट्रिक विकेट इनके लिए भी 1,500 रुपए है, पर अब तक कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेने में सफल नहीं हो पाए। और फाइनल मुकाबले में भी बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द मैच। और ये यहां थर्ड अंपायर का इशारा आउट, तो यहां जाना पड़ेगा विशाल दादा। और कहीं ना कहीं जो 2 विकेट मिले हैं वहां पर फील्डरों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण दिया, क्योंकि एक कैच ऐसा था जो था ही नहीं उनको बनाया। और यहां जो रन आउट वहां पर चतुराई दिखाई, सीधा डायरेक्ट हिट किया सरमन ने। तो प्रिंस और सरमन 2 युवा खिलाड़ी है, उन्होंने टॉस जीतकर कप्तान का जो फैसला था वहां खड़े उतरे है। आज गेंदबाज इतने लय में नहीं है तो फील्डर यहां अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए लगने वाला। यहां 40 के रन पे दूसरा झटका, 2 प्रारंभिक बल्लेबाज अब जा चुके हैं डगआउट। अगले बल्लेबाज हेड कामली, और आते संघी बड़े शॉट का प्रयास। हेड एक महत्वपूर्ण योगदान में है केवरी सुपर किंग्स के लिए। इस प्रतियोगिता में ज्यादातर गेंदबाजी बेहतरीन की है, बल्लेबाजी करने का काफी कम मौका मिला है। तो यहां प्रीत और हेड 2 युवा खिलाड़ी है, आपस में यहां आमने सामने टकरा रहे। इस ओवर में कुल मिलाकर 2 रन आए हैं, 1 रनआउट के रूप में विकेट मिला है। पिछली गेंद डॉट रही, आने वाली 2 गेंदें शेष। मैदान पर जब भी गया है पानी, अब तक बदली है हर मुकाबले की कहानी। ये गेंद देखिए, आधे अधूरे मन से खेलने का प्रयास हुआ था, खेलू न खेलू ये सोच में थे, और इसी बीच गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, बनी डॉट। तो बहुत ही कमाल का ओवर रहा है। इस प्रतियोगिता की हर एक मुकाबले की अगर बात की जाए तो जब भी मैदान के अंदर पानी गया है तब मुकाबले की कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर आया है।
आखिरी गेंद लेकर पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर, रन रोकने का पूरा प्रयास, जो पहले करीबन 13 के करीब की औसत थी अब जाकर 10 के आसपास की हुई है। ये और यहां देखिए फील्डर कैच की मांग कर रहे थे गेंदबाज कप्तान के, ऐसे कैच आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से टॉस जीता गेंदबाजी का निर्णय लिया, चार ओवर का खेल समाप्त हुआ। चार ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 42-42, करीबन जिस तरह से 10.5 की औसत के आसपास से आगे बढ़ता हुआ स्कोर, केवरी सुपर की तो हारी जरूर है पर जो शुरुआत मिली थी उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्वालिफायर राउंड वन, यहां से जो टीम जीतेगी उनके लिए रास्ता रहेगा सीधा फाइनल का। बाउंड्री के बाहर दर्शक अगर कैच लपकेंगे तो टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम के द्वारा ₹1,000, और इस मुकाबले के लिए बाउंड्री के बाहर से दर्शक अगर कैच लपकेंगे तो सुरेश भाई कामली जिनकी ओर से ₹500, और छक्के लगाने वाले बाजों को ₹200, और बाउंड्री के लिए 101 सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से सिर्फ इस मुकाबले के लिए। अब आने वाली 12 गेंदें इस पहली पारी की शेष बची है और यहां गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान रचित। धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से पॉइंट और गली के बीच गैप ढूंढने का प्रयास किया गया था, पर जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही बल्लेबाज चूके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाज, और विपुल की अगर बात किया तो क्षेत्र और इस प्रतियोगिता में बेहतरीन फील्डिंग की है। बाउंड्री पुकार रही थी, चली गई उनसे मिलने बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसी के साथ जिस तरह से बल्ले का स्विंग था, बड़े शॉट के लिए खासतौर पर तैयार रहते हैं, और ये महत्वपूर्ण चौका, इस चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो है वो है 47, 2 विकेट के नुकसान पर हेट जो खेल रहे हैं 4 गेंदों में 6 बनाकर, धनेश 6 में 5 बनाकर, तो प्रारंभिक बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद इन्होंने मोर्चा संभाला है। ये ताकत का उपयोग करना चाहते थे पर वहां देखिए लंबे गट की इतनी ताकत थी नहीं क्योंकि गेंद धीमी गति की थी, पर नहीं पाए, नतीजा 3 विकेट गड़ा। और इसी बीच नंबर 5 की महत्वपूर्ण भूमिका पर आए हैं नचिकेत, ये वही बल्लेबाज है जो लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में संयुक्त के खिलाफ एक गेंद में 8 की आवश्यकता थी, जहां पर हाई फुल टॉस मिला वो नॉबल बनी, वहां 6 लगाए थे, फिर आखिरी गेंद पर 1 के साथ टीम केवड़ी सुपर किंग्स को पहले पायदान पर, अगर वहां हारती तो तीसरे पर रहती। और यहां एक अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, टप्पा खाने के बाद नीची रही,
ये ओवर की अगर लेखा जोखा देखा जाए तो इस ओवर से मात्र अब तक आए हैं 5 रन 5 गेंदों में। एक चौका जरूर आया पर रन रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। कप्तान रचित के द्वारा 47 रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। राहुल और यहां देहरी कामरवाड़ की ओर से जिस तरह से फील्डिंग करते हैं, एक बार फिर रुचित वॉरियर्स की ओर से महत्वपूर्ण कैच लपका नचिकेत, जिनका आज खाता खुला नहीं, शून्य का चश्मा पहनकर वापस बैक टू द डगआउट की ओर जाते हुए। खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 47। पिछले ओवर जहां पर 5 रन प्राप्त हुए और 2 विकेट गवाई, तो इस पारी की आखिरी आने वाली 6 गेंदे। अरे कहना क्या चाहते हो, जल्दी वहां से हटो। पांच ओवर 47। अगले बल्लेबाज हरनेश कामली और इसी बीच इस ओवर की पहली गेंद जहां पर प्राप्त हुआ 1-1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। ऐसी शुरुआत हुई थी जहां पर 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 23 थे, पहली ओवर से 11, दूसरी ओवर से 12, उसके बाद रनों की गति पर तीसरी ओवर में भी 38 तक हो गए थे। उसके बाद पानी जाने के बाद इस प्रतियोगिता में कई बार ऐसा हुआ है और आज एक बार फिर पहले मुकाबले में भी रनों की गति को धीमा किया गया। ये बाहर की गेंद थी जिसको छेड़खानी करने का प्रयास करना चाहते थे, हल्का सा कट चिकी स्ट्रक खेलना चाहते थे और इसी के साथ बनी डॉट। और इस बार गेंद को जांचा परखा, बड़े शॉट का प्रयास और ये देखिए ये छूट गया। पहले एक अच्छा गेंद लपका और यहां राहुल एक कैच अच्छा लपका था इन्होंने, पर यहां देखिए ये धीमी गति का गेंद था और यहां उन्होंने वो भी थोड़े से धीमे हो गए और रनेश आउट हुए। रनआउट के रूप में हरनेश जैसे बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। पारी का महत्वपूर्ण आखिरी ओवर चल रहा है। अगले बल्लेबाज जैनिस जो कि अपना घरेलू क्रिकेट देहरी कामरवार से खेलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला क्वालिफायर राउंड 1। ये कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, तेजी के साथ गेंद ट्रैवल करती हुई, फील्डर थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा चूक हुई क्योंकि ये फील्डर को चीर कर चली गई सीमा रेखा के पार। 4 रन ये आवश्यकता थी इस शॉट की। 50 का आंकड़ा पार किया 53 1 रन। अरे बिल्लू बल्ला लपला लर मारा, बिल्लू बल्ला लपला भाई मारा, बिल्लू बल्ला लपला, बिल्लू बल्ला लपला लर मारा, बिल्लू बल्ला।
बीच ये चौके के साथ 53 रन आने वाली इस ओवर की दो गेंदें शेष, ये पारी की अंतिम ओवर है। और यहाँ ये अच्छी फील्डिंग हुई है, काव कॉर्नर के क्षेत्र पर गैप को ढूंढा जा रहा था, एडी चोटी का जोर बल्लेबाज ने लगाया था तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसफीलिंग हुई और उसी का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर 55। तो देखिए 5 ओवर की 5 गेंदें भी हुई है तो यहां पर एक साथ 5-5 विकेट 5 के नुकसान पर 5वीं ओवर की 5वीं गेंद। ये पारी का अंतिम ओवर है, 6th ओवर। और इसी बीच इतनी ताकत थी नहीं, यहां चतुराई दिखाई, ये पूरे थक चुके थे। अगर देखा जाए तो हर्निश की अगर बात की जाए तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और यहां 1 रन के साथ 56 हुए और जीत के लिए 57 to win। तो जीता था रुचित वॉरियर्स ने, शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई थी उनकी, 3 ओवर के बाद 38 हुए थे नीलेश जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी 22 रनों की, विशाल दादा जिन्होंने बनाए थे 14 रन और इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो हम हैं लैक्मी 360 के मैदान पर, दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का यह मैदान जहां पर दर्शनम द्वारा आयोजित कामली प्रीमियर लीग का 3रा महत्वपूर्ण सीजन, यहां चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,51,000 रुपए नगद और शानदार आकर्षित ट्रॉफी, रनरशिप टर्म यानी कि जो दूसरे पायदान पर रहेगी उनके लिए 75,000 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी, प्लेयर ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए सैमसंग रेफ्रिजरेटर डबल डेकर, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन बेस्ट फील्डर इनके लिए टीवी। इस प्रतियोगिता में कोई भी मुकाबले में हैट्रिक सिक्सर हैट्रिक विकेट पर 1500 का नगद पुरस्कार दर्शनम के द्वारा, और जिस तरह से फाइनल मुकाबले में बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर बेस्ट फील्डर इनके लिए नगद राशि और ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच फाइनल के लिए, तो ढेर सारे इनाम इस मुकाबले में अगर आज के दिन देखा जाए तो पहले मुकाबले में सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से दर्शकों के लिए 500 रुपए है, बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 101, छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 201। और आज के दिन टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम की ओर से दर्शकों के लिए 1000 रुपए। तो ये पहले मुकाबले में अगर दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर से कैच लपकेंगे तो 1500 रुपए उनके जेब में जा सकते हैं। आज का वैसे भी दिन अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का पर्व, आज दान धर्म के लिए काफी कुछ माना जाता है और आज इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी भीष्म पितामह ने, माक्षर सुद 11 के दिन से जिस तरह से महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाण सैया पर सोते हुए भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के पर्व पर इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी और इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल की अगर बात की जाए तो आने वाली 22 जनवरी यानी कि करीबन 500 साल के बाद भगवान श्री राम जिनका यहां पर अयोध्या धाम में एक शानदार मंदिर बना हुआ है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार, हम कई बार दशावतार की आरती भी गाते हैं, वहां पर पहला अवतार मत्स्य अवतार, उनके बाद कुर्मा अवतार, फिर वरा अवतार, नरसी अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, उनके बाद श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और आखिर में कल्कि अवतार। और हम इस खेल में वापस आते हैं जहां पर इस प्रतियोगिता का यह 4था और अंतिम दिवस फाइनल मुकाबला होगा। आज पहले 3 दिन जहां 7 टीमें थी संघर्ष करती हुई, 3 टीमें बाहर हो चुकी है, डीएफ लायंस पहले और दूसरे साल की चैंप रनर्स अप, उसके बाद ट्रीट कैपिटल्स और डायमंड टाइगर्स ये बाहर हो चुकी है। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका केवरी सुपर किंग्स, उनके साथ रचित वॉरियर्स यहां खेल रही है। अगला मुकाबला एलिमिनेटर जहां संयुक्त भिड़ेगी चैंपियंस 11 के साथ,
और यहाँ ये क्वालिफायर राउंड वन, जो जीतेगा उनको फाइनल का टिकट मिलेगा, हारी हुई टीम को मौका मिलेगा एक और। और वही ये लीग स्टेज के मुकाबले की बात की जाए तो संयुक्त प्रयास करना चाहते थे कि टॉप टू में रहे, पर भाग्य ने उनको साथ दिया नहीं। दो शब्द का अक्सर होता है लक, ढाई शब्द का भाग्य, तीन शब्द का नसीब, सारे तीन का किस्मत। ये तब तक काम नहीं करती जब तक चार शब्द का अर्थ मेहनत वहां जुड़े नहीं। और यहां जिस तरह से लक्ष्य 57 गेंदबाजी लेकर आए हैं, गेंदबाज हरनेस कामली जो अपना घरेलू क्रिकेट वडोली की ओर से खेलते हैं, और कामली ने हरनेस ने हर बार अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण गेंदबाजी की है। तो दूसरी बार यहां मेहुल ये इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी की मदद से बन चुके हैं प्लेयर ऑफ द मैच, और उनके साथ सरमन। ये गेंद पहली टप्पा खाने के बाद नीचे राउंड डिवी के टाकर एंगल को क्रिएट किया गया, बल्लेबाज खड़े खड़े स्वीप शॉट लगाना चाहते थे, पूरी तरह से झुके, बाकी का काम विकेट कीपर विशाल दादा ने पूरा किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। हरनेस अगर विकेट लेंगे तो उनको गुप्त दान ₹1000। ये हवा में गेंद, फील्डर हेट गेंद को जब तक देखते गेंद उनके काफी ऊपर से गई, और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इस पारी की शुरुआत करते हुए चुराए 2 रन। मेहुल का निजी स्कोर है 2, टीम का स्कोर है 2 जीत के लिए 57 का पीछा कर रही है। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद कहीं ना कहीं केवड़ी सुपर किंग्स जिन्होंने मौका गवाया, विशाल डाडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में रनआउट हुए और टीम ने रिव्यू लिया था रुचित वॉरियर्स ने, वो सफल हुआ। नीलेश ने 22 बनाए टॉप 2 बल्लेबाज के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से फंसे, ये अच्छा शॉट सिलेक्शन, हेट रुक गए क्योंकि जानते हैं कि गेंद के साथ डॉल लगाने की जरूरत नहीं है, गेंद काफी तेजी के साथ बढ़ रही थी, चली गई सीमा रेखा के बाहर, वेलकम बाउंड्री टीम रुचित वॉरियर्स, और इसी चौके के साथ 6 रन। पिछले कैच की भी अगर बात की जाए तो वहां कैच का प्रयास जरूर करना चाहते थे, पर उनके ऊपर से हरनेस जिनके लिए गुप्तदान के रूप में इनाम भी रखा गया है, विकेट लेने पर ₹1000 गुप्तदान। पारी का महत्वपूर्ण पहला ओवर, 3 गेंदें हुई है रन स्कोर बोर्ड पर 6 बिना विकेट के नुकसान पर, लक्ष्य 57 का पीछा करते हुए हरनेस इस ओवर की 4th गेंद लेकर। इतना ये हार्दिक अगर डायरेक्ट हिट लगा पाते तो शायद बात बन सकती थी, और इसी बीच एक के साथ स्ट्राइक साथी बल्लेबाज को रोटेट की, फिलहाल सरमन नॉन स्ट्राइक से जिन्होंने शुरुआती 4 गेंदें देखी, अब बल्लेबाजी करेंगे आने वाली इस गेंद पर 5वीं गेंद इस महत्वपूर्ण ओवर की। रुका हुआ स्कोर जो है वो है 7 रन। हरनेस जो विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं जिनके लिए गुप्तदान के रूप में ₹1000 का इनाम भी रखा गया है, आने वाली 2 गेंदें। सरमन एक युवा बेहतरीन बल्लेबाज है, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जा रही थी, छेड़खानी करने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि जानते हैं वाइड के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ने वाला है, 8 रन इस अतिरिक्त के साथ आने वाला मुकाबला संयुक्त के कप्तान और चैंपियंस 11 के कप्तान इन दोनों के बीच होगा टॉस। ये लगातार दूसरा वाइड, और जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये वाइड के साथ दूसरा वाइड भी है। हरनेस जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, फिलहाल पिछली 2 गेंदें थोड़ी सी बाहर कर दी, नतीजा अतिरिक्त रन जुड़ा, 9 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर, आने वाली 2 गेंदें। ये गेंद लगातार तीसरी वाइड, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, एंगल क्रिएट किया जा रहा है, राउंड विकेट आकर ऑफ साइड से काफी बाहर डालने का प्रयास, लगातार 3 गेंद वाइड। हरनेस इस प्रतियोगिता में इस तरह से लगातार वाइड कभी किए भी नहीं है,
अच्छे गेंदबाज है, कहीं ना कहीं जो साइड चेंज हुई है दूर वाले छोर के साथ ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की नहीं, यहाँ वो दूर वाले छोर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। जब तक गेंद को थोड़ा सा उनके साथ खेल ना लेते, साथी फील्डर को फुटबॉल की तरह गेंद सौंपते नहीं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चुराया यह दो रन। ये पिछली गेंद पर कुल मिलाकर 5 रन आए, 3 वाइड के रूप में। उसके बाद यहाँ बल्ले से जब लगी वहां 2 रन चुराए, तो आगे बढ़ता जो स्कोर है वो है 12 रन। और इसी बीच रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और नतीजा यहाँ पूरी तरह से चुके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। खेल पहली ओवर का समाप्त हुआ, 1 ओवर के बाद रन जुड़े हैं 12। जब बल्लेबाजी कर रही थी केवरी सुपर किंग्स तो उनका स्कोर था 11। दोनों टीम बिना विकेट के नुकसान पर अच्छी शुरुआत करती हुई। खेल की समाप्ति के बाद 12 रन जीत के लिए 57 रनों की मांग की जा रही है, 57-57। और यहां दूसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं गेंदबाज हेड कामली। बल्लेबाजी में एक महत्वपूर्ण चौका जा रहा था, गेंदबाजी अच्छी खासी कर लेते हैं, ये टप्पा खाने के बाद नीची रही। और इसी बीच अच्छा खासा शॉट सिलेक्शन, गेंद काफी तेजी से ट्रैवल करती हुई चली गई फील्डर के थोड़े दूर से 4 रन। चौके के साथ 16 रन, 16 विदाउट लॉस। ये धीमी गति की गेंद थी, पहले फुल टॉस बनकर बल्ले से लगी, उसके बाद जमीन से टकराई, उसके बाद विकेट कीपर के पास गई और डॉट बनी। 4 गेंदों में 4 रन आए हैं इस ओवर की अगर बात की जाए तो, रुका हुआ स्कोर है 16 रन। पारी का महत्वपूर्ण दूसरा ओवर, पावर प्ले का खेल जारी, जीत के लिए 57 रनों का पीछा करती हुई टीम रुचित वॉरियर्स। यहां से जो टीम जीतेगी उनको लिए सीधा फाइनल का रास्ता बनेगा, हारी हुई टीम को एक और मौका मिलेगा। ये गेंद को जांचा, परखा और पॉइंट के ऊपर से धकेल दिया,
सीमा रेखा के बाहर मेहुल कच्चा शॉट सिलेक्शन करते हुए इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 20। की जरूर मांग की जा रही थी पर सेफ शॉट सुरक्षा के साथ खेला गया और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। दो ओवर का दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 21-21 बिना विकेट के नुकसान पर। जब बल्लेबाजी कर रही थी केवरी सुपर किंग्स तो उन्होंने दो ओवर की खेल की समाप्ति के बिना विकेट गवाए 23 बनाए थे। आज बाउंड्री के बाहर से दर्शक अगर कैच टपकेंगे तो टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम की ओर से 1000 रुपए, DF लायंस के ऑनर धर्मेश भाई की ओर से 500 रुपए और इस मुकाबले के लिए सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से 500 रुपए। तो कुल मिलाकर इस मुकाबले में 2000 रुपए दर्शकों के लिए मौका रहेगा। बाउंड्री के बाहर कैच लपकने पर चौके लगाने पर 101 और छक्के लगाने पर 201 बल्लेबाज को मिलेंगे सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से। आज के पूरे दिन दर्शनम के द्वारा 1000 रुपए और DF लायंस के ऑनर धर्मेश भाई की ओर से 500 रुपए। पहले और दूसरे साल की रनर्स अप टीम DF लायंस जो फिलहाल इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है, जीत के लिए जिस तरह से 57 रनों की मांग की जा रही है, आने वाली गेंदबाजी की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 24 गेंदों का खेल बचा है। 24 गेंदों में जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदें 36 रन, करीबन 9 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर हरनेस का छोर बदला गया है अगर देखा जाए तो। इसी बीच एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22 विकेट की मांग की जा रही है केवरी सुपर किंग्स और रन चाहिए टीम रुचित वॉरियर्स को फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए। केवरी सुपर किंग्स का थकावट खींचो खींच भरा हुआ, रुचित वॉरियर्स इनका भी हल्के हल्के आगे बढ़ता हुआ सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास खुद पोलोटर में हमने इसके द्वारा अच्छी फील्डिंग की गई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल 22 22 रन करीबन 9 के करीब की औसत के साथ आगे बढ़ना है। पहली गेंद पर एक, दूसरी गेंद बनी डॉट, बिना विकेट के नुकसान पर 22 तक पहुंच चुकी है टीम रुचित वॉरियर्स। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। यहां रिवर्सिप खेलने का प्रयास, गेंद काफी तेजी के साथ बाउंड्री का पीछा करते हुए देखना होगा हार्दिक कब तक दौड़ते हैं और हार्दिक जब तक दौड़ते गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद चली गई थी सीमा रेखा के बाहर। एक महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन रिवर्स स्वीप का प्रयास किया जहां सफलता मिली बल्लेबाज को और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26। अरे नाचबू होई तो हे नाची ले जो आज बधाने टूट दे, नाचबू होई तो नाची ले जो आज बधाने टूट। इसी बीच यहां टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, क्रीज की गहराइयों को उपयोग करना चाहते थे, बड़े शॉट का प्रयास करना चाहते थे पूरी तरह से। जो कि पहली इस ओवर की अगर बात की तो 4 गेंदों में आए हैं, 5 पहली ओवर में खर्च किए थे, 12 तो यहां भरपाई करते हुए। पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद रनों की गति पर हल्का सा विराम, धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, अच्छी फील्डिंग और ये बड़े कमाल का थ्रो जैनिस। और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की 5 गेंदों में आए हैं 6 रन, पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर। इस गेंद के बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक। 27 रन 27 और यहां थोड़े से फिसले अपने रन अप से। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम केवरी सुपर किंग्स का स्कोर था 38 38
यहाँ 27 है स्कोरबोर्ड पर रुचित वॉरियर्स के, और यहाँ 1-7 समाप्ति हुई इस ओवर की खेल। 3 ओवर का समाप्त हुआ, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने 28 बिना विकेट के नुकसान पर। बीच 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने हैं कुल मिलाकर 28 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बाकी बची 18 गेंदें जहां जीत के लिए चाहिए कुल मिलाकर 29 रन। पहली 3 ओवर में आपने 28 बनाए, आने वाली 3 ओवर में आपको चाहिए 29। जब बल्लेबाजी कर रही थी केवरी सुपर किंग्स, उन्होंने 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 38 बनाए थे। उसके बाद की जो 3 ओवर थी, कहीं ना कहीं वहां पर गेंदबाजी अच्छी हुई रुचित वॉरियर्स की ओर से। प्रीत आए, रुचित आए, रचित आए और उसके बाद वापस प्रीत आए, जिन्होंने कम से कम रन खर्चे। यहां मिडल ऑफ द बैच जरूर था जेनिस, देखिए क्षमता है, खुद एक अच्छे गेंदबाज है, तेज गति के। शुरुआत में मौका मिले थे उनको केवरी सुपर किंग्स की ओर से, थोड़ी सी पिटाई हुई थी, नतीजा अब उनकी तरफ नजर नहीं। साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, 16 गेंदों में जीत के लिए 22 रनों की मांग बची है। 16 गेंदे 22 रन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये इस बार अच्छी गेंद करवट बदली, टप्पा खाने के बाद धीमी हुई, बाहर थोड़ी सी ज्यादा निकली। जब तक बल्लेबाज बढ़ते तब तक गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। डॉट बॉल 35 रन 35। इस बार लोअर फुलटोस को शामिल किया था, सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, आखिरी हिस्से में लगी बल्ले की और इसी भी डॉट बॉल। लगातार 6 के बाद डॉट नो बॉल आई है। इसके बाद आने वाला अगला मुकाबला चैंपियंस इलेवन बनाम संयुग, संयुग ने टॉस जीता लिया फैसला गेंदबाजी करने का। वहां अगर हारेगी तो पहले से जो टीम है 3 उनके साथ जुड़ेगी, आगे वाली जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी।
और यहाँ खुद को लौटो में, ये देखिए ये अच्छी फील्डिंग की जा रही है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की जा रही है। हिट जिस तरह से इस प्रतियोगिता में उन्होंने गेंदबाजी की, एक बार फिर अपना परिचय देते हुए छह खाने के बाद लगातार तीन मिंडी गेंदें उन्होंने फेंकी है, सरमन को कहीं ना कहीं परेशानी में डाला है। पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर आखिरी गेंद लेकर तेरह गेंदे 22 रन, ये गेंद को छोड़ा जा रहा है। अब आपके पास ऐसा समय नहीं है कि गेंद को छोड़ा जाए, विकेट पूरी दस है हाथों में। और यहां इस ओवर की पहली गेंद पर एक, फिर आया छह, उसके बाद लगातार चार गेंदे डॉट आई, तो खेल चार ओवर का समाप्त हुआ। चार ओवर की समाप्ति के बाद बने 35, 35 रन विकेट बिना गवाए। तो यहां आने वाली 12 गेंदों, जहां पर जीत के लिए आपको 22 रनों की मांग है, 12 गेंदे 22 रन। पहली दो ओवर में आपने 21 बनाए थे, अब आखिरी दो ओवर में आपको 22 बनाने हैं। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं द्विज कामली, जो अपना घरेलू क्रिकेट नानी वाकड़ पातलिया से खेलते हैं इस प्रतियोगिता में। पिछले दो मुकाबले में लगातार मैन ऑफ द मैच, यहां थोड़ा सा देरी के साथ उनको शामिल किया गया। पारी का पांचवा ओवर अंतिम ओवर लेकर, पिछले दो मुकाबले में उन्होंने दो दो ओवर की थी, पर यह बड़ा मुकाबला है, यहां गेम प्लान बनाया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। 12 गेंदे जीत के लिए चाहिए 22 रन। मेहुल पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पास से खेल दी, हेड वहां पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग, ये फेंक दिया विकेट, डुई जाए अपनी टीम को पहली गेंद पर रन आउट। पहली गेंद जहां एक रन एक रन आउट, आने वाली इस ओवर की पांच गेंदे जीत के लिए, अभी भी 11 गेंदों में कुल मिलाकर 21 रनों की मांग है। 11 गेंदे 21 रन, फिलहाल कप्तान आए हैं सीना टान खरे, रचित कल बने थे आखिरी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच। और इसी बीच एक के साथ ड्विज के द्वारा अच्छी गेंदबाजी वैसे भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछली दो मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, यहां पारी का महत्वपूर्ण पांचवा ओवर, जब आप रन बचा रहे हो तो पारी का पांचवा ओवर यानी कि सेकंड लास्ट ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल 37 रन 37, फील्डिंग में तकदीरी की जा रही है, सजावट की जा रही है, टिप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बाहर रखा गया है। जड़ में मारने का प्रयास है, देखिए बल्ले से लगी थी, कहीं ना कहीं जगह बना के जो शॉट खेलने का इंप्रोवाइजेशन किया था, किसकी गहराइयों का उपयोग करना चाहते थे, पर जिस गति के साथ जिस लाइन इन लेंथ के साथ गेंदबाजी की जा रही है वहां बने असफल, एक रन जरूर मिलेगा। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 38 रन 38। और तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद केवरी सुपर किंग्स का स्कोर था 38, उसके बाद रनों की गति पर विराम लाए थे। तो यहां फिलहाल पारी का पांचवा ओवर चल रहा है, यहां तीन गेंदें हुई है और यहां रुचित वॉरियर्स का स्कोर हुआ है 38 38। और इसी बीच सरमन धीमी गति से फंसे, एक रन चुराया और एक ही रन से अच्छी गेंदबाजी अब तक की गई है। चार गेंदों की बात की जाए, चार रन एक रन आउट के रूप में विकेट, कहीं ना कहीं
इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो इस ओवर में अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आते तो अच्छे संकेत हो सकते थे रुचित वॉरियर्स के लिए, क्योंकि हवा फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए इस ओवर में अनुकूल है, आने वाले ओवर के लिए राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल अनुकूल होगी। पर यहाँ ये देखिए ऊंची है बहुत, पर काफी अंडर, ये सिर्फ आपने कैच नहीं ड्रॉप किया है, सूर्य की किरणें आज काफी तेज वैसे भी रहेगी, आज उत्तरायण है, सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर यहाँ ये महत्वपूर्ण समय में कैच ड्रॉप हुआ है, ये कैच ड्रॉप और इसी के साथ 41, 7 गेंदे 16 रन। 1999 में ऐसा ही कैच हर्षल गिब्स ने छोड़ा था स्टीव वॉक का, और उन्होंने मैच का पासा पलटा था। तो ये कैचेस विन द मैचेस ऐसे ही नहीं कहा जाता, इस बड़ी प्रतियोगिता में आपको कैच लपकने बहुत जरूरी है, क्योंकि कब कौन सा खिलाड़ी इनफॉर्म हो जाए। ये देखिए ये कमाल का शॉट, ये गैप जरूर ढूंढ नहीं पाए, पर शॉट सिलेक्शन अगर यहाँ फील्डर रोक नहीं पाते तो निश्चित रूप से ज्यादा रन मिल सकते थे। खेल इस एक रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई, इस ओवर से कुल मिलाकर आए 60, खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद बने 42। अब 6 गेंदे 15 रन, 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है, बाकी बची 6 गेंदे 15 रन चाहिए। 5 ओवर के बाद 47 पर थी, कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे है रुचित वॉरियर्स, टॉस जीता था, गेंदबाजी का निर्णय था, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। ये क्वालिफायर राउंड 1 केवरी सुपर किंग्स, हम है लैक्मी 360 के मैदान पर, जहां पर टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम के द्वारा कामली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन इस आज के दिन बाउंड्री लाइन के बाहर से टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम की ओर से ₹1000 दर्शकों के लिए कैच लपकने पर, डीएफ लायंस के ओनर धर्मेश भाई की ओर से ₹500 और इस मुकाबले में सुरेश भाई कामली केवड़ी की ओर से ₹500। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर दर्शक इस मुकाबले में कैच लेंगे तो ₹2000 आपका इंतजार कर रहे हैं। आज वैसे भी मकर संक्रांति का पर्व है, दान धर्म के लिए काफी माना जाता है। यहाँ 6 गेंदों का खेल आने वाला शेष है, 6 गेंदे 15 रन, 6 गेंद 15 रन गेंदबाजी लेकर आए हैं नचिकेत। नचिकेत ने हर बार टीम केवड़ी सुपर किंग्स की नैया को पार लगाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, यहाँ जीतेगी तो सीधा बनेगा रास्ता फाइनल का। विराम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी टीम आएगी, यहाँ दोनों टीम जीतना चाहेगी, क्योंकि रुचित वॉरियर्स का भी यह टूर्नामेंट काफी शानदार रहा है। लीग स्टेज के 6 मुकाबले में 1 हार और 5 जीत दोनों टीमों ने अर्जित की है, तो यहाँ पहले और दूसरे नंबर की टीम इस प्रतियोगिता की आमने सामने फाइनल के टिकट की प्राप्ति के लिए। गेंद 15 रन, रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी है। ये बड़ा शॉट का प्रयास, पर इतनी ताकत थी नहीं, जी हाँ ये ताकत की कमी रही पूरी तरह से, निहल कामली ने कोई गलती नहीं की और आउट। बल्लेबाजों की बात किया है तो लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी जिनके पास क्षमता है, 5 गेंद 15 रन, खेल कुछ इस प्रकार है, 5 गेंदों में 15 रन, आने वाले बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है प्रीत, क्या अपनी टीम को यहां से लेकर जा पाएंगे फाइनल तक, या फिर नचिकेत जो एक बार फिर अपनी टीम को जीत देने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। हमें गिराने की कोशिश ना कहीं करो तो अच्छा रहेगा, हम वो गहरा समंदर है जिसे सूरज भी सुखा नहीं सकते, जिस तरह से
नचिकेत और प्रीत ये दोनों युवा खिलाड़ी है और ये दोनों युवा खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण खेल दिखाया है, फिर चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग। ये आने वाले भविष्य की खिलाड़ी है धुरंधर दोनों, जो यहां आमना सामना करेंगे एक साथ। और इसी बीच फील्डिंग की सजावट की गई है, देखिए जिस तरह से मिड ऑफ लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर मिड विकेट, ये बाहर है फील्डर फिलहाल। गेंद को पढ़ नहीं पाए, देखिए अच्छे और इसी बीच डॉट बॉल, इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे पर फिल्टर देना थे। स्ट्राइक, देखिए जहां आवश्यकता थी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की वहां लेफ्ट हैंड बल्लेबाज था नहीं, यहां आवश्यकता थी राइट हैंड बल्लेबाज की जहां लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, पर इनके पास क्षमता है तो कहीं ना कहीं जो दो सलामी बल्लेबाज थे उन्होंने रनआउट के रूप में अपने विकेट को गवाया है। एक बहुत ही मूल्यवान पारी मेहुल की खेली जा रही थी, 22 रन पर वो आउट हुए थे 3 चौके की मदद से 14 गेंदों में और उनका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था रुचित वॉरियर्स के लिए। यहां शर्मन आउट हुए 13 गेंदों में, इन्होंने एक चौका और छक्का लगाकर ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पर जिस तरह से संघर्ष किया जा रहा था कहीं ना कहीं जो औसत चाहिए थी 16 रन शर्मन ने भी बनाए, 4 गेंदों में 4 बनाकर कप्तान रचित भी आउट हुए, प्रीत जो 2 गेंदों में 1 बनाकर खेल रहे हैं। फिलहाल 3 गेंदों का खेल अनिशे से विपुल बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, 3 गेंदों में जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदें 14 रन, हर एक गेंद पर देना होगा जवाब। यह क्वालिफायर राउंड 1 फाइनल से 1 कदम दूर। कोशिश दोनों ओर से जारी है, ये ताकत थी नहीं इतनी, ये थोड़ी सी मिसफीलिंग हुई, क्या फायदा उठा पाएंगे, 2 रन चाहिए, यहां प्राप्त कर लिए हैं, जी हाँ कहीं ना कहीं गलती भी हुई है रुचित वॉरियर्स की। अगर देखा जाए तो जहां पारी का जो 5वां ओवर चल रहा था पहली गेंद पर जो रनआउट हुए थे उसके बाद लेफ्ट हैंड की आवश्यकता थी, पर यहां राइट हैंड बल्लेबाज आए, हवा विपरीत चल रही है पर हवा को चीर कर अब क्या ये आने वाली 2 गेंदों में जो 12 रन चाहिए क्या लगा पाएंगे। परेशानी रही है शुरुआती 2 गेंदे, मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद आता है, तो ये 2 गेंदे जहां बल्लेबाज इनफॉर्म में नहीं थे, यहां हवा में ऊंची और बहादुर, ये देखिए मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद आता है, शुरुआत 2 गेंद जहां पर बल्लेबाज बीट हुए, यहां था समय कि बड़ा शॉट खेला जाए और ये खेल दिया, लंबे खत के हरे भरे हवा को चीर कर गेंद को भेजा गगनचुंबी अवकाश यात्रा पर गई गेंद, 6 रन। आखिरी गेंद है जीत के लिए चाहिए 6 रन, गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। कल नचिकेत ने 1 गेंदों में 8 बनाए थे, आज 1 में 6 बचा रहे हैं, क्या कर पाएंगे या फिर प्रीत इतिहास रचेंगे अपनी टीम रुचित वॉरियर्स के लिए। देखिए इतिहास रचने का मौका बार बार मिलता नहीं है, इतिहास की अगर बात की जाए तो किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। यहां कप्तान के साथ सलाह मशवरा की जा रही है, आखिरी गेंद जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता। देखिए जीवन में सही समय कभी नहीं आता है,
जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है, और यहाँ यही है सही समय केवरी सुपर किंग्स को बचाने हैं, 6 रन रुचित वॉरियर्स को बनाने हैं 1 में 6। प्रीत बहुत ही कमाल का रहा है इनका यह प्रतियोगिता, तो शानदार नचिकेत का भी रहा है, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ये जिंदगी, जरा गौर से देख हम मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। फुल टॉस गेंदी, देखिए कभी कभी ऐसी गेंद भी मिलती है जहां पर आपको आपका पावर जोन जो रहता है वहीं से आप रन नहीं बना पाते, तो कहीं देरी हो गई। प्रीत जिनको आना था थोड़ा जल्दी वो यहां लेट आए, और आखिरी गेंद पर 6 की आवश्यकता थी, यहां बाजी मारी केवरी सुपर किंग्स ने। कहीं ना कहीं सुपर किंग्स एक बार फिर फाइनल में अपना स्थान निश्चित कर चुकी है, पहले साल की चैंपियन टीम एक बार फिर फाइनल में अपना स्थान निश्चित कर चुकी है। हार्ड लक रही रुचित वॉरियर्स, ये मुकाबला जरूर हारी है पर इनके लिए एक मौका बना है। अब अगला मुकाबला संयुक्त, तो जीता गेंदबाजी करने का निर्णय लिया चैंपियन।